हाँ जी, तो दोस्तों कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। तो चलिए जल्दी से सबसे पहले हम अपने वीडियो के टॉपिक के बारे में जानते हैं और फिर जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आईके गुजराल, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जलंधर। जी हाँ दोस्तों, पंजाब की एक मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी में से एक। सो दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए एक नई अपडेट निकल के आई है, चाहे वो हो डेटशीट से रिगार्डिंग, चाहे वो हो एग्जाम से रिगार्डिंग। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक जो अपडेट निकल के आ रही है वो है कि डेटशीट में कुछ सब्जेक्ट्स में से चेंजिंग की गई है। तो वो चेंजिंग क्या है, सबसे पहले मैं आपको वही दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, 24 मई 2021 को रेगुलर और रिपेयर स्टूडेंट्स के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसमें कुछ सब्जेक्ट लिखे हैं, कुछ कोर्सेज लिखे हैं और जो शिफ्ट की गई तारीख है ना, वो लिखी गई है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, देखिए ऊपर देख सकते हैं आप, सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है, उसके बाद कोर्स लिखा है मास्टर ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इसका जो एग्जाम होने वाला था ना, वो शिफ्ट हो गया जी। देखिए, शिफ्ट फ्रॉम 4/6/2021 टू 11/6/2021, मतलब के 4/6/2021 को होने वाला जो एग्जाम है ना, वो अब 11/6/2021 को हो चुका है। उसी तरह से मास्टर ऑफ कॉमर्स, बी फार्मेसी, बीबीए, इनके कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं ना, उनकी जो डेट्स है वो चेंज कर दी गई है। बाकी दोस्तों, जो चेंजेस वाली डेटशीट है वो आपके सामने है, आप उसे देख सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा दोस्तों। इसी के अलावा ना, पीटीयू ने कल एक और नया नोटिफिकेशन जारी किया है जो है रिलेटेड टू एग्जाम्स। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम्स किस तरह से होंगे, क्या पैटर्न होगा और क्या क्या उसमें फॉर्मेलिटीज होंगी, वो भी नोटिफिकेशन जारी किया है। तो अब हम सीधा उसी पे ही चलते हैं। देखिए दोस्तों, एग्जाम से जो रिलेटेड नोटिफिकेशन है ना, वो आपके सामने है। सबसे पहले आप दोस्तों नोटिस को ही देखिए, जारी कब किया गया है, 24 मई 2021 को। इंस्ट्रक्शंस फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन थ्रू ओपन बुक मोड। दोस्तों ये तो आपको पता चल ही गया था कि जितने भी स्टूडेंट्स रिलेटेड टू पीटीयू हैं, उनके जो एग्जाम है पीटीयू कंडक्ट करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन अब वो ओपन बुक मोड से होंगे। तो क्या है ओपन बुक मोड, सबसे पहले हम ये जानते हैं और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको यही बता दूं कि ओपन बुक मोड जो है ना, वो यही होगा कि जो एग्जाम है आपकी, वो एक तरह से ऑनलाइन ही कंडक्ट किए जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन कंडक्ट करने के बाद जो भी शीट पे आप अपना पेपर लिखेंगे, उस शीट को आपको फिर से यूनिवर्सिटी तक सबमिट करवाना होगा, लेकिन बुक में से कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या है इंस्ट्रक्शंस, देखिए सबसे पहले तो यही बताया गया है, एग्जामिनेशन इन ओपन बुक एग्जामिनेशन मोड विल बी हेल्ड फ्रॉम 26/5/2021 एंड ईच पेपर विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन, मतलब जो भी पेपर होगा वो आपका 2 घंटे का होगा। इसके बाद ईच डे एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन 2 डिफरेंट सेशन, हर एक एग्जाम जो है ना, वो 2 डिफरेंट सेशन में लिया जाएगा। पहला जो सेशन होगा वो होगा 9:30 से 11:30 बजे तक, दूसरा 1:30 बजे से 3:30 बजे तक। उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन मेंशन्ड ऑन एडमिट कार्ड मे डिफर फ्रॉम एक्चुअल डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म टू चेक अमेंडमेंट इन डेट शीट फ्रॉम द टाइम टू टाइम। दोस्तों इसके बाद ये बताया गया है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, अगर डेट शीट में कुछ चेंजिंग होती है, वो टाइम टू टाइम अपनी डेट शीट भी चेक करते रहे। उसके बाद क्या है जी, द क्वेश्चन पेपर विल बी अपलोडेड एज पर द डेट शीट इन योर लॉग इन आई डी ऑफ एवरी स्टूडेंट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी वेबसाइट। देखिए दोस्तों क्या लिखा गया है कि जो क्वेश्चन पेपर है ना, वो यूनिवर्सिटी के द्वारा बच्चों की लॉगिन आईडी जो होगी उस पे ही अपडेट किया जाएगा।
ठीक है दोस्तों। उसके बाद 15 मिनट्स पीरियड टू स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड आफ्टर 30 मिनट्स फ्रॉम स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर विल नॉट बी डाउनलोड। 15 मिनट पहले जो है एग्जाम की वो क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया जाएगा और जब 30 मिनट निकल जाएंगे तो आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं कर सकते। बाकी दोस्तों कुछ ऐसी भी हिदायतें हैं, मैं आपको बता दूं, देखिए क्या है ये जो देखिए, स्टूडेंट शैल आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू पोस्ट ऑल ओरिजिनल आंसर शीट आफ्टर लास्ट विच रिजल्ट शैल नॉट बी डिक्लेयर। देखिए क्या लिखा गया है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना वो खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे जितनी भी उनकी एग्जाम शीट है उनको सबमिट करवाने के लिए। उसके बाद क्या लिखा है, स्पीड पोस्ट रिसिप्ट मस्ट बी इमीडिएटली स्कैंड एंड अपलोडेड थ्रू लॉगिन आईडी ऑफ कंसर्न स्टूडेंट। उसके बाद जो भी आप स्पीड पोस्ट करवाएंगे जो उसकी रिसिप्ट मिलेगी ना उसको भी लॉगिन आईडी पे अपलोड करना होगा। उसके बाद भी हिदायतें हैं जी, इनवेल्प कंटेनिंग ऑल ओरिजिनल आंसर शीट मस्ट बी ऑफ A4 साइज ऑफ एनी कलर अलोंग विद क्लॉथ लाइनिंग एंड कैंडिडेट मस्ट राइट ऑन द टॉप आंसर शीट ऑफ नवंबर 2020 और अप्रैल 2021 एग्जामिनेशन एंड एड्रेस्ड टू। देखिए दोस्तों ये एक एड्रेस भी लिखा है, मतलब कि जो भी आंसर शीट्स होंगी ना उनको आपको एक इनवेल्प में डालना होगा जो A4 शीट्स होंगी और आपको इस पते पर भेजना भी होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या है, सबसे बड़ी हिदायत जो है, नेम ऑफ द कैंडिडेट रोल नंबर ब्रांच सेमेस्टर पोस्टल एड्रेस ऑफ कैंडिडेट एंड मोबाइल नंबर। ये कुछ ऐसी हिदायतें हैं जो आपको लिखनी होगी, ठीक है, अपनी भी डिटेल्स लिखनी होगी। व्हाइट कलर एंड A4 शीट्स विल बी अरेंज बाय ईच एंड एवरी स्टूडेंट एंड कंप्लीट आंसर शीट विल बी कंप्रेसिंग ऑफ 20 पेजेस। जी हां दोस्तों ये भी एक हिदायत है कि A4 शीट्स जो है ना व्हाइट कलर की वो भी आपको ही अरेंज करनी होगी और आप 20 से ज्यादा पेज जो है वो नहीं ले सकते। कैंडिडेट नीड टू राइट फॉलोइंग ऑन ईच एंड एवरी पेज। देखिए हर एक पेज पे आपको ये चीज मेंशन भी करनी होगी, 20 पेज जो लगेंगे ना उसमें आपको रोल नंबर सब्जेक्ट कोड सिग्नेचर, ठीक है, पेज नंबरिंग एट बॉटम, ये सारी चीज भी आपको जो जरूर मेंशन करनी होगी। सो दोस्तों काफी सख्त हिदायतें हैं। इसके अलावा एक और चीज भी लिखी गई है, यूज ब्लैक पेन ओनली टू अटेम्प्ट द पेपर। केवल आप ब्लैक पेन ही यूज कर सकते हैं। कैंडिडेट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम होम और सुटेबल लोकेशन ऑन A4 साइज पेपर ओनली इन हिज हर ओन हैंड राइटिंग विद मैक्सिमम पेज लिमिट ऑफ 20 शीट्स ऑफ विच ओनली वन साइड टू बी यूज। देखिए दोस्तों आप घर से कर सकते हैं, कोई भी सुटेबल लोकेशन से कर सकते हैं, लेकिन अपनी हैंड राइटिंग में करना होगा और एक साइड ही करना होगा। दोस्तों काफी सख्त हिदायतें हैं, चाहे हम ये कह लें कि एग्जाम जो है वो ऑनलाइन हो रहे हैं लेकिन ऑनलाइन में भी काफी सख्त हिदायतें जो है वो PTU ने अब जारी कर दी हैं। बाकी दोस्तों हम बात करते हैं अब 12th बोर्ड की, क्योंकि जो 12th बोर्ड के स्टूडेंट है ना उनके लिए भी ये परेशानी बनी हुई है कि एग्जाम कैसे होंगे। दोस्तों PTU का ये फैसला काफी अच्छा फैसला लग रहा है, ओपन बुक मोड है, आप घर से कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी हिदायतें हैं कि जिससे चीटिंग को भी रोका जा सकता है। सो मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला जो है वो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड को भी अपना लेना चाहिए। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।